प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मौजूद प्रोफेसरों और आचार्यों ने प्रोफेसर सुमित्रा सिंह को माल्यार्पण और बुके भेंटकर उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी। प्रोफेसर सुमित्रा सिंह संपूर्ण शिक्षा दीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही प्राप्त किया और अपना शोध कार्य प्रोफेसर आर के दुबे के निर्देशन में वर्ष 1986 में पूर्ण किया। फरवरी 1988 से अनवरत शिक्षक के रूप में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों तथा सहायक नियंता, सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी पद पर कुशलता के साथ कार्य किया। प्रोफेसर सुमित्रा महिला छात्रावास की वार्डन के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान में अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। इनके निर्देशन में लगभग एक दर्जन से अधिक शोध छात्र काम कर चुके हैं। प्रोफेसर सुमित्रा सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान प्रोफेसर शैलजा सिंह, प्रोफेसर NP भोक्ता, प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर सुनीता दुबे, प्रोफेसर उदय सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने कहा, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे उसका निर्वाह करेंगे? विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बहुत चंद दिनों के लिए सौंपी गई है। प्रकृति ने उतने दिनों के लिए दिया है और जितना बेहतर हो सकता है 10 दिनों में वो करेंगे। मुझे सबका सहयोग मिला है और सबको साथ लेकर के जितने दिन भी मिला है उसको साथ लेकर के चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे सभी हेड के हमारे सारे सहयोगी से उनका साथ दिए हैं, हमारे साथ भी हमारे सारे सहयोगी हमारा सहयोग करेंगे। चुनौती क्या होगी आपके सामने? अब चुनौती, आपका प्रश्न तो वैसा बड़ा जटिल है कि चुनौती लोगों को 5 साल का मिलता है और हमको इतने कम समय की चुनौती है। अब समय में आप कैसे, क्या चुनौती होगा उसको कैसे पूरा करेंगे? अब चुनौती तो अभी आई नहीं है मेरे सामने, लेकिन जो चुनौती आएगी उसका सफलतापूर्वक संचालन करेंगे। जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी 10 दिन में, जो भी आएगा उसको पूरे प्रयास के साथ, तन्मयता के साथ उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जो भी चुनौती आएगी, अभी कोई ऐसी चुनौती दिख नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ हैं, अवकाश चल रहा है, और जब चुनौतियाँ आनी होगी तब तक मुझे हस्तांतरित कर देना होगा। तो इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा भेजा है, मेरे लिए ऐसा समय चुना था कि वो ऐसी चुनौतियों से मुझको मुक्त रखा। तो ईश्वर की बड़ी मेरे ऊपर महती कृपा रही है कि उसने बड़ा अच्छा मेरे लिए समय चुना था और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चुनौतियों यदि मिलती तो उसको करते, लेकिन चुनौतियाँ मिलेंगी नहीं, इसलिए प्रसन्नता है कि आप तो NSS में हमारे कई बार मेरे कार्यक्रम में रहे हैं, यदि मिलेगी तो उसको मतलब समाज के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। आज मुझे जो ये कुर्सी मिली है यह मेरे आत्मविश्वास की जीत है और मुझे उम्मीद करते हैं कि आने वाले मेरे भाई पूरे जीवन में भी उनका विश्वास बना रहे, नहीं तो आज ये कुर्सी मुझे सुलभ नहीं होती यदि ईश्वर का साथ मेरे साथ नहीं होता। तो ईश्वर की कृपा से ही ये आज का दिन मुझे देखने के लिए मिला है, इसलिए मैं उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उसने आज ये अवसर मुझे सुलभ कराया है।